सो हेलो एवरीवन, दिस इज विनीत चौधरी एंड यू आर वाचिंग IITS फ्लेक्स। हमारी जो आज की वीडियो है वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जितने भी हैं हमारे उसकी ट्रिक हम देखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड पहली बात तो होते कौन कौन से और जनरली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक इसके अंदर करते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ही होते हैं कि जो हमारा एसिड से भी रिएक्ट कर जाएगा और बेस से भी रिएक्ट कर जाएगा, वो हुआ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और जो मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा वो हुआ हमारा एम्फोटेरिक मेटल। तो जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये याद कर लेते हैं, मान लिया आपने ये याद कर लिया, अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में वो पूछ लेगा, ये पूछ लेगा या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके पूछ लेगा, तो वहां पे चांसेस बहुत सारे हमारे क्या हो जाते हैं, गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो पहले ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, याद रखवाने का काम मेरा है, मैं आपको याद रखवाऊंगा जब मैं हूं यहाँ पे, तो आपको याद रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये सारे प्लीज एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि इनमें से ही आपका क्वेश्चन आने वाला है, जेई मेंस हो जेई एडवांस हो, इनके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। तो याद रखने की ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने शायद लिख लिया होगा, तो जो है हमारा ये है ZNO। ZNO से स्टार्ट करते हैं। ZN हमारा किस में है, ZN प्लस टू में। तो ZN जब प्लस टू में है, अब ये तो हुआ हमारा ऑक्साइड। लाइक अगर हम बात करें ZNOH4+, ZN प्लस टू में है या नहीं है, ZNOH Twice. तो क्या ये भी एम्फोटेरिक होगा? जी बिल्कुल एम्फोटेरिक होगा। अगर हमारा ये क्वेश्चन आता है तो ये भी एम्फोटेरिक होगा। लाइक अगर हम बात करें टेट्रा हाइड्रोक्सोजिनकेट आयन की, क्या ये एम्फोटेरिक होगा ZN प्लस टू में? हाँ डेफिनेटली एम्फोटेरिक होगा। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, वेनेडियम, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक, टिन और ये हमारा गैलियम। तो ये हमारे एग्जाम्पल है, हम कैसे याद कर सकते हैं। तो लाइक मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक, कोई एक पागल है या फिर मनचला है, दूसरी साइड हमारी खड़ी है पार्वती। पार्वती है हमारी एक सुंदर कन्या। पार्वती क्या है? सुंदर कन्या। तो पार्वती सुंदर कन्या है, तो जानकर हमारी जो पहली ट्रिक है, जानकर अजनबी बोला, जानकर अजनबी बोला, तो ये अजनबी तो है, हमने देख लिया अजनबी बोला जानकर। अब ये थोड़ा बावला भी है क्योंकि मैंने आपसे बताया मुझे को देख के इसके मन में हलचल होगी। तो पार्वती को जब इसने देखा, जानकर अजनबी बोला, जानकर अजनबी बावला बोला, ये अजनबी बावला है, जानकर अजनबी बावला बोला पार्वती, इसने पूरी तेज तेज से आवाज लगाई पार्वती क्रस। आई नो आप सभी क्रस का मतलब तो डेफिनेटली समझते ही होंगे, ये तो बच्चों वाला खेल हो गया। तो जानकर अजनबी बावला बोला क्रस पार्वती सुनोगे, ये इतनी सी ट्रिक थी, हमारा तो काम ही आसान हो गया। बस आपको क्या याद रखना है, ये तो हमने याद रख ही लिए, लेकिन हमें ये भी याद रखना है। अब ये याद क्यों रखना है, यही यार हमारा इंपॉर्टेंट है, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर देंगे तो वो हो सकता है एम्फोटेरिक अपना नेचर बदल दे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी इंपॉर्टेंट है, प्लस टू प्लस थ्री जितनी भी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो प्लीज आप इसे याद रखने के लिए ये ट्रिक तो अपना लीजिए, लेकिन ये जितने भी कंपाउंड है ये आप याद रखिए। तो दैट्स इट, इतना सा ही था इस वीडियो में, ये मुझे लगता है आपको सारा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को हमारे शेयर कर सकते हैं जिसे आपको लगता है कि ये वीडियो उसके लिए यूजफुल हो सकती है। थैंक यू सो मच गाइस।